और दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ गैरिस मोड की वीडियो में। और देखो दोस्तों आज मैं क्या बनने वाला हूँ। अरे यार भैया, तो आपने इंट्रो कर दिया, क्या बात है भैया, आज क्या बनने वाले हो वैसे? आए तू देखता जा मुन्ना, मैं बनने वाला हूँ दमदार वाला स्पीकर मैन। अरे अच्छा भैया, ये क्या भैया तो से छात लेके आ चुके एकदम स्पीकर मैन। अब लगता है भैया मेरे को भी अपना भूटन टाइटन लेने आना पड़ेगा भैया। तो गाइस अपन लोग आज इसको एल्बो को ट्राई करने वाले, क्योंकि भैया ये काफी ज्यादा बहुत ज्यादा क्यूट लगता है ना, इसके लिए मैं आज उसको लेने वाला हूँ। और ये देखो उसकी लाइन मैंने लगा दी है, और ये काफी ज्यादा हो जाएंगे आपके सामने, आपकी छुट्टी कर डालेंगे भैया। अच्छा बच्चू, ऐसी बात है क्या? आज स्पीकर मैन से पहले लड़के दिखा, फिर पता चलेगा तुझे आखिरकार में कितनी पावर है इसके अंदर, कितनी पोटेंशियल है मुन्ना। अरे यार भैया चलो फाइटिंग शुरू करते। और ये देखो भैया, अरे बाप रे ये क्या, मैंने तेरी छुट्टी कर दी, देखा नहीं तूने क्या? अरे यार ये क्या भैया, एल्मो की तो अपने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बैंड बजा डाली। दोस्तों मैंने सोचा नहीं था कि एल्मो की यही हालत करेगा स्पीकर मैन का बच्चा। लगता है भैया मुझे और भी ज्यादा खतरनाक वाले फाइटिंग करानी होगी। और भैया इस बार में खतरनाक वाले यहाँ पर लेके आने वाला हूँ मैं। आए क्या लेके आने वाला तू, मेरा देख पहले। आए मैं टीवी वुमन को लेके आ चुका हूँ, आए क्योंकि ये मुन्ना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है भाई। अरे यार भैया ऐसी बात है क्या, चलो कोई बात नहीं भैया। ये क्या एक के ऊपर एक चढ़ गई, और अभी तो यहाँ पर पूरी आर्मी खड़ी करने वाला हूँ टीवी वुमन की, और तू बस देखते जाइयो मुन्ना। अरे यार भैया आपने कितनी ज्यादा टीवी वुमन को यहाँ पर स्पॉन कर दिया। लगता है भैया मुझे यहाँ पर हगी वगी लाना पड़ेगा, क्योंकि भैया इसके सामने यही टिकने वाला है। तो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ इसके सामने हगी वगी, जो कि भैया आपकी टीवी वुमन की बैंड बजाएगा। ओए अच्छा बच्चू, मेरे सामने पिड़ेगा ये, इसकी तो मैं पोटी निकाल दूंगा मुन्ना। अरे यार भैया आप एक बार इसे लड़के तो दिखाओ, फिर पता चल जाएगा किस में कितना दम। चलो फाइटिंग शुरू करते हैं। ये लगा दी मैंने फाइटिंग, और देखो भैया मेरे यार कितने ज्यादा खतरनाक वाले से अटैक कर रहे हैं वगी वगी। अरे बाप रे ये क्या दोस्तों, भैया ने मेरी बैंड बजा डाली। और ये क्या हो गया दोस्तों, बोला था ना मुन्ना तेरे को, बोला था ना सारे वगी वगी गए, इसकी तो मैंने छुट्टी कर दी मुन्ना। अरे दोस्तों ये क्या हो गया, गेम बहुत ज्यादा लैग हो रही है, क्योंकि अपन लोग ने बहुत ज्यादा एनिमी को स्पॉन करा दिया था यार। चलो कोई बात नहीं यार, इनको यहाँ से निकालते क्योंकि भैया अब हमें इसका अगला राउंड शुरू करने वाले। ऐसी बात है क्या, इस राउंड में तो मैं जीत गया, आप तेरे को जो भी राउंड लगाना है पहले बोल दियो। आओ चलो दोस्तों अब अगला राउंड शुरू करते है, सबको निकालते यहाँ से ठक ठक करके। आए चलो निकालते एक एक करके, और ये अगी वगी तो खत्म ही नहीं हो रहे, आए खत्म हो जा। अरे यार हो गया। और देखो गाइस मैंने फिर से स्पॉन करा दिए हगी वगी, इस बार में भैया उसकी साइज को मैं बड़ा बनाने वाला हूँ। आए तू साइज को बड़ा बनाएगा, तो मैं यहाँ पर बड़ी साइज का जी मैन स्पीकर मैन लेके आ चुका हूँ टाइटन वाला। ये देख मुन्ना टाइटन स्पीकर मैन जी मैन आ चुका है, ये तेरी छुट्टी कर देगा। अरे यार क्या बात करे भैया, ये मेरी छुट्टी करेगा, उससे पहले मैं उसको भैया ठिकाने पे लगा दूंगा। उससे पहले दोस्तों मुझे साइज को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये इसके सामने बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाले हो क्या होगे? बाप तूने बिल्कुल सही बोला यार, जिमेन की छुट्टी करने के लिए अब इतना ज्यादा बड़ा काफी हैगी वगी। तो दोस्तों ये भैया का स्पीकर मैन जिमेन टाइटन, और ये मेरा अगी वगी लार्ज, जो कि दोस्तों आज इसकी पिटाई करने वाला है। तो शुरू करो भैया, आए शुरू कर दी, आए तेरे को मैंने छुट्टी भी कर दिया, देख रहे मुन्ना बस एक सेकंड के अंदर अगी वगी का काम खत्म कर दिया मैंने। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था दोस्तों, ये कैसे हो गया, जिमेन स्पीकर मैन टाइटन ने मेरी अगी वगी की छुट्टी कर डाली। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाला सीन हो गया, अब मैं लेके आने वाला हूँ। ये देखो भैया स्काई वुड, इसको बोलते भैया बच्चों वाला खेल। और इसको क्यों लेके आ गया तू, ये तो हमेशा रोता रहता है भैया। स्कीवीड वुड अब की बैंड बजा देगा, इसको मैं बड़ा बनाने वाला हूँ, तो इसकी साइज को मैं फटाफट से बड़ा कर लेता हूँ। भैया के जितना बड़ा ना बनाना जरूरी है दोस्तों। ये देखो लगभग तो हो चुका है पूरा, अब इसकी भी साइज बढ़ाऊंगा पीछे वाले आर्मी की भी, ताकि पता चल जाए आखिरकार में भैया में कितना ज्यादा पोटेंशियल पावर है।
दोस्तों अभी यहाँ पर बड़ा हो रहा है, बस आखिरकार देखते जाओ। मैं आपकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये देखो हो गया एकदम कंप्लीट। अब ये स्कीड वुड क्या इसको हरा पाएगा या फिर नहीं दोस्तों, कमेंट करना। आए कमेंट करना दोस्तों, मेरा जी मैन स्पीकर मैन टाइटन ही जीतने वाला। ये देख आई ले पावर, आई कैसी लगी बन्ना। अरे ये क्या भैया, आपने फिर से छुट्टी कर डाली मेरी स्क्वीड वुड की। अरे दोस्तों ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, भैया बहुत ज़्यादा खतरनाक है लगता है मुझे, और नया लेके आना पड़ेगा, कुछ अच्छा लेके आना पड़ेगा पावरफुल, तभी जाके जी मैं स्पीकर मैन टाइटन की मैं बैंड बजा पाऊंगा। तो दोस्तों इस बार में मैं रखने वाला हूँ रेम्बो फ्रेंड फ्लावर को भैया। अच्छा बच्चू ऐसी बात है क्या, इसकी तो तू पूरी आर्मी खड़े करेगा, मुझे पता है वरना। अरे हाँ भैया बिल्कुल सही सोचा आपने, इसकी आर्मी को मैं यहाँ पर जल्दी से लगा देता हूँ, ताकि भैया ये पूरी तरीके से जी मैन स्पीकर मैन की भैया छुट्टी कर सके। इसकी साइज को भी मैं बड़ा बनाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है इसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी है, ये बहुत ज़्यादा पीती सा दिख रहा है। अरे बाप रे साइज क्यों नहीं बढ़ रही है, ये बहुत ज़्यादा स्लो बढ़ रही है दोस्त, मुझे दिखाई दे रहा है। आए मुन्ना तूने बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया, ऐसा नहीं लगता है क्या तुझे। अरे नहीं भैया बिल्कुल सही है यार, इतना काफ़ी है यार। देखो दोस्तों ये है फ्लावर और ये है भैया का जी मैन स्पीकर मैन टाइटन। तो दोस्तों फाइटिंग शुरू करते हैं। आजा बच्चों आजा, ये ले धमाका खा और तेरा खेल खत्म, पैसा भी हजम। आय अरे ये क्या दोस्तों, पूरा तो यहाँ पर ढेर कर दिया भैया ने, क्या लफड़ा है भैया, कैसे ये बन चुका है जी मैन, क्या खा के आया भैया जी मैन स्पीकर मैन टाइटन। आए मुन्ना कुछ नहीं, ये हमेशा आलू के पराठे हमेशा डोसता रहता है मुन्ना, डोसता रहता है इसी के लिए मुन्ना, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है मुन्ना भाई। अरे यार इसकी डाइट का भैया मुझे पता नहीं था, लगता है भैया ये रेम्बो फ्रेंड रेड को लेके आ चुका हूँ, ये भैया मक्खियों जैसा दिखने वाला रेम्बो फ्रेंड, ये भैया आपकी छुट्टी करेगा मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए दोस्तों चारों ओर इसके यहाँ पर आज बाजू भैया सबको लगा दूंगा, ताकि भैया ये यहाँ से कभी भाग ना पाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लगा दिया है पूरा का पूरा, अब देखते हैं दोस्तों फाइटिंग शुरू करते हैं। आ जाओ बच्चू जी मैन स्पीकर मैन, अरे बाप रे भैया ये तो गोले की बारिश कर रहा है, और ये देखो ये क्या हो गया मेरे सामने, भैया मेरी आर्मी को खत्म कर दिया, ये लो और जाओ। अरे बाप रे कोई ठीक ही नहीं रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है भैया के सामने कोई भी एनिमी टिक नहीं रहा है, क्या करूं। अरे बाप रे भैया आपने पूरी तरीके से छुट्टी कर डाली मेरी रेम्बो फ्रेंड रेड की। आए बच्चू मैंने बोला था ना ये किसी के सामने टिकने वाला नहीं है, इसका मतलब कि कोई इसके सामने टिकने वाला नहीं है जब तक मुन्ना इसके सामने कोई स्ट्रांग वाला एनिमी ना आ जाए। अरे यार भैया ऐसी बात है क्या, लगता है दोस्तों अभी खतरनाक वाले यहाँ पर टाइटन की लेने की बारी आ चुकी है। तो दोस्तों इस बार में मैं रखने वाला हूँ, क्या रखूँ देखते अपने पास क्या क्या है, ये चिड़िया को रखता हूँ जरा सा। इतना छोटा निकाल यहाँ से, अरे यार ठीक है भैया ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो दोस्तों इस बार में मैं यहाँ पर ग्रीन चिली को लेने वाला हूँ रेम्बो फ्रेंड ग्रीन। तो दोस्तों ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा मुझे क्यूट लगता है, इसके लिए मैंने रख दिया, और इस साइड में भी रखूँगा थोड़े बहुत, ताकि भैया को कवर कर सके यार पूरी तरीके से आर्मी की तरह, एकदम दीवार बन जाऊँगा। दोस्तों ये देखो कितने सारे ग्रीन चिली मैंने यहाँ पर रख दिए, अब आएगा असली वाला मजा। तो दोस्तों फाइटिंग शुरू करते हैं फटाफट से। आए बुना तू देखते जाइयो, आज ग्रीन चिली मॉन्स्टर की ये बहुत ज़्यादा बैंड बजाने वाला है, पूरी कैसे दो डालेगा। ये देखो छुट्टी कर दी, और ये देखो बुना और भी ज़्यादा छुट्टी कर दी। अरे ये क्या भैया, आप तो एक सेकंड में काम तमाम कर रहे हो, नहीं रुक जाओ भैया रुक जाओ। आए क्या रुक जाओ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ आखिरकार तक। ये देखो येलो। अरे यार भैया ये ग्रीन चिली को मार क्यों नहीं रहा है, लगता है भैया मेरा ज्यादा भारी पड़ रहा है। क्या लगता तुम्हें भारी पड़ेगा क्या, बाप रे ये क्या दोस्तों, पूरी तरीके से छुट्टी कर दी ग्रीन मास्टर की। अच्छा भैया आपने ग्रीन चिली की बैंड बजा दी, अब मैं आपको टक्कर लेने के लिए आ चुका हूँ फिर से दमदार वाला टाइटन लेके। इस बार में दोस्तों क्या लिया जाए यार जो कि भैया के सामने टिक पाए, मुझे तो आइडिया नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग कमेंट करो जी मैन स्पीकर मैन टाइटन के सामने आखिरकार में ऐसा कौन सा वाला एनिमी रखा जाए जिससे यार भैया हार जाए। आए कोई नहीं आएगा। आए मेरा टाइटन स्पीकर मैन मुन्ना तुझे पता नहीं है इसका अंदाजा नहीं है, कितनी पावर है इसके अंदर, कितनी पोटेंशियल है मुन्ना। अरे यार ऐसी बात ही क्या भैया, रुक जाओ इसके सामने मैं रखने वाला हूँ, ये देखो
आई मुन्ना ये तो स्पीकर मैन इरेक्टेड है और ऊपर से मुन्ना उसके भी टॉयलेट भी है। अरे वाह भैया देखो 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 भैया ये देखो फिटाई कर दी अब ये आपको मारेगा। बाप रे ये क्या दोस्तों फिर से मैं हार गया। आए तो हार गया ना बोला था ना ये ले। अरे यार भैया अब मेरे को लड़के दिखाओ दो दो लेके आ चुका हूँ इस बार में। ये देखो भैया आपके ऊपर ही भारी पड़ रहा है ये देखो। और देखो दोस्तों आखिरकार में भैया के स्पीकर मैन टाइटन को हरा दिया। ओए क्या बात है मुन्ना क्या बात है आखिरकार में तूने कर दिखाया। क्या बात है मानना पड़ेगा स्पीकर मैन टाइटन जी मैन को तुमने हरा दिया। चलो दोस्तों अब यहाँ पर जाके तुम कौन सा एनिमे लेके आने वाले हो इससे भी खतरनाक वाला। अरे यार मैं तो यही रखने वाला हूँ क्योंकि भैया की बहुत ज्यादा बैंड बजाएगा। यार मुझे लगता है भैया आपकी जी मैन की बैंड बजा दी ना उसी तरीके से ये आपकी दूसरे वाले स्पीकर मैन की भी बैंड बजाएगा। तो भैया कौन से लेने वाले हो। आई टाइटन स्पीकर मैन गॉड लेवल वाला लेने वाला हूँ इस बार में। ये देखो टाइटन स्पीकर मैन आई खतरनाक वाला वेपन लेके आ चुका है ये साथ में। आए देखते हैं दोस्तों किसमें है कितना दम। अच्छा भैया ये देखो आपकी भैया मैंने फुंगी बजा दी। ये देखो छुट्टी कर डालूंगा और निकल जाओ। अरे बाप रे ये क्या हुआ दोस्तों ये तो मेरे ही मर गए सारे के सारे। और ये नल्ले कहीं के कहां से आ गए मेरे भैया पूरी तरीके से आर्मी को खत्म ही कर दिया डिस्ट्रॉय कर दिया। ओए चुन्नू कहीं का बोला था ना ये मेरे सामने टिकने वाले नहीं है। अरे यार भैया फिर से लेके आ गए क्या टाइटन स्पीकर मैन। अब दोस्तों मुझे इसके सामने कुछ दमदार वाला रखना होगा कि जिससे ये भैया आपकी बैंड बजा सके। तो दोस्तों इस बार में मैं रखने वाला हूँ कौन सा रखूँ ये वाला रखता हूँ यार ये बम भी अच्छे ज़्यादा फोड़ते ताकि भैया ये उड़कर आपकी बैंड बजा सके। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको यहाँ पर ये पूरी लाइन को खड़ी करूँगा भैया की तरह। तो दोस्तों ये देखो और क्या कर रहा है पागल है क्या इतनी ज्यादा आर्मी कौन खड़ी करता है मुन्ना। अरे यार आपका भैया अगी खड़ी करता है और कौन खड़ता है। तो दोस्तों ये देखो खतरनाक वाला ये वेपन है उसके साथ में ये आपको काट डालेगा भैया ची डालेगा फाड़ के रख देगा। अच्छा बच्चू मेरे पास में तलवार है सबूरा है तलवार ये देखो पावर का अंदाजा नहीं है खत्म कर दिया पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने। चकमला पकड़ा दीवाना। अरे यार ये क्या दोस्तों क्या हो रहा है मेरे साथ में लगता है भैया एक के बाद एक सारी की सारी बाजी मेरे हाथों से निकल रही है भैया सारी की सारी बाजी जीत रहे हैं पता नहीं है क्या मामला है लगता है भैया कोई हैकर तो नहीं है ना। अच्छा बच्चू कोई हैकर नहीं हूँ मैं मेरी पावर का अंदाजा नहीं है तुम्हें। भैया ये लेजर मैन आपकी छुट्टी कर देगा इस बार में देखते जाइयो बस। ये भैया बहुत ज्यादा खतरनाक वाला है इसकी पावर का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ये देखो भैया कितना खतरनाक है ये देखो बिजली भी कड़क रही है और पीछे की साइड में आग भी जल रही है उड़ भी सकता है और उसकी माथे में देखो भैया लेजर लाइट चमक रही है ये आपको फाड़ के रख देगी। ऐसी बात है बच्चू अभी तो रुक जा मैं यहाँ पर साइंटिस्ट चाचा को लेके आ चुका हूँ ये खतरनाक वाला स्किबिडी टाइटन मॉन्स्टर देखना बजा बजा कर तेरी बैंड बजाएगा। अरे ये क्या भैया इतने ज्यादा आप लेके आ चुके कितने ज्यादा बड़े दिख रहे हैं ये मेरे से पर कोई बात नहीं भैया भैया क्योंकि मुझे लेजर मैन के ऊपर पूरा भरोसा है और ये जीता देंगे आपके साइंटिस्ट चाचा को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डालेंगे। तो शुरू करते भैया आज की गेम प्ले आए करियो बच्चू करियो देखा मुन्ना बोला था ना। अरे बाप रे ये क्या मेरे साइंटिस्ट चाचा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे आज तेरे लेजर मैन ही लेजर मैन दिखाई दे रहे हैं और ये क्या कर दिया तूने साइंटिस्ट मैन कहाँ गए मुन्ना। अरे यार सब के सब डिस्ट्रॉय हो गए भैया मेरे लेजर मैन ने उसको उड़ा दिया यार एक सेकंड में छुट्टी कर दी भैया बोला था ना। तो दोस्त फिर से अपन लोग रखने वाले यहाँ पर लेजर मैन को। अरे ये क्या दोस्तों ये भाग रहे इनको जल्दी से सही जगह पर यहाँ पर चिपकाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रख देता हूँ लेजर मैन को और देखो भैया आई क्या देखो अभी आई कुछ भी तो नहीं ये देखो मैं यहाँ पर स्पीकर मैन को सामने रखने वाला हूँ ये देखो टाइटन स्पीकर मैन है ये नॉर्मल वाला है पता नहीं चला है चलो कोई बात नहीं देखते हैं। ये गुलाबी गुलाबी से लड़की हो जैसे क्यों दिख रहा है मुझे और फिर भी देखते हैं दोस्तों ये कितना आखिरकार में इसमें कमाल है। आज चलो फिर से यहाँ पर स्पीकर मैन टाइटन को रख देता हूँ उसके पीछे और इसकी आर्मी को पूरा खड़ी करूँगा और देखते हैं दोस्तों इसको हरा पाता है या फिर नहीं।
और साथ में कौन सा रखूं? ये वाला रखता हूँ, ये भी ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। ये देखो, इसको मैंने यहाँ पर स्पॉन कर दिया। अरे ये क्या भैया, नोकिया मैन कहाँ से लेके आ गए? नोकिया मैन टाइटन। ओ, ये जब नोकिया की रिंग बजती है ना तो सब झटकना भी भूल जाता है दोस्तों। ऐसी बात है क्या? आए तो चलो इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ये तो ऊपर चढ़ गया। आए तेरे लेजर मैन भी सामने दिखाई दे रहे हैं। चलो दोस्तों अभी हो जाए फाइटिंग शुरू। ये हेलो, अरे ये क्या दोस्तों, ये क्या हो गया? ये फाइटिंग क्यों नहीं कर रहे भैया? ये तो सबके सब दोस्त निकले, निकालो यहाँ से इसको। और ये तो फेल हो गया मुन्ना। अरे यार कोई बात नहीं भैया, हम लोग दूसरा ट्राई करेंगे। तो चलो दोस्तों इस बार में मैं रखने वाला हूँ लेजर मैन। किसको रखूँ? इसको रखता हूँ भैया, ये है स्पीकर मैन रेडियो। और स्पीकर मैन रेडियो नहीं, ये रेडियो मैन टाइटन है मुन्ना। अरे यार भैया सही बोला आपने, रेडियो मैन टाइटन को यहाँ पर फटाफट से स्पॉन करता हूँ। और दोस्तों ये क्या भैया, ये क्या कर रहे हो आप? आए यहाँ पर देखता जा तू, मैं टाइटन वुमन को रखने वाला हूँ सबसे पहले, उसके बाद में तेरा अपना दिखाई हो मुन्ना। अरे यार ठीक है भैया, ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों अपन लोग को यहाँ पर दूसरे वाले लेने होंगे। कौन से रखूँ मैं, कौन से रखूँ समझ में नहीं आ रहा है। इसके सामने कुछ अलग सा रखने वाला हूँ, ये रखूँ के रखूँ क्या करूँ यार, ये नहीं रखता हूँ मैं, इसको रखता हूँ यार। ये है ब्लास्टेड वाले स्पीकर मैन जो कि बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। ये है भैया डिस्ट्रॉय वाले स्पीकर मैन जो कि भैया देखो ना, उसके अंदर से बिजलियाँ निकल रही है, शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं और इसकी पावर का आपको अंदाजा नहीं है। देखते जाओ टीवी वुमेन को ये कैसे हरा पाता है। आए दोस्तों ये क्या, मेरी टीवी वुमेन की बैंड बजा दी, ये की बाकी रही। अरे ये क्या दोस्तों, ये भी लगता है खत्म हो गई, ये क्या हो गया? अरे यार बोला था ना भैया, बोला था ना ये ब्लास्ट स्पीकर मैन आपकी बहुत ज्यादा चुनना चुन। कोई गल नहीं, चलो दोस्तों एक और आखिरी राउंड हो जाए, उसके बाद में आज की वीडियो को खत्म करेंगे अपन लोग। आखिरी मैच में देखते हैं कौन जीतने वाला है। अरे यार मैं जीतने वाला हूँ। अरे ये क्या दोस्तों, ये सबको निकालना होगा अपन लोगों को। आए दोस्तों आखिरी वाले राउंड में कैमरामैन टाइटन अपग्रेडेड को रखने वाला हूँ। ये देखो अपग्रेडेड टाइटन कैमरामैन लेके आ चुका हूँ। आए अब आएगा असली वाला मजा। आए दोस्तों ये ने मैंने गलत रख दिया, इसको जल्दी से निकालना होगा। ये इसको यहाँ पर रखता हूँ, इसको मैं यहाँ पर फटाफट से लाइन खड़ी करता हूँ। आ जा सब लोग आ जा, ये देखो स्पॉन कर दिए एक के बाद में। अरे ये क्या भैया, ये गलत कर दिया आपने, सीधी करो लाइन, सीधी करो ना प्लीज, एकदम स्ट्रेट लाइन रखो यार, ताकि भैया दोस्तों के दिखाने में आसानी हो यार। आए ठीक है ना बच्चू, अब हो गया ना सही? अरे हाँ भैया अब हो गया सही। तो दोस्तों अपन लोग इसके सामने कौन सा वाला रखे यार, मुझे लगता है स्किबिडी टॉयलेट ही रखना चाहिए। तो स्किबिडी टॉयलेट कहाँ गया, फटाफट से स्किबिडी टॉयलेट को निकाल दे। ये वाला सही रहेगा मेरे ख्याल से, स्किबिडी टॉयलेट सुपर। ये सुपर स्किबिडी टॉयलेट देखो भैया कितने ज़्यादा खतरनाक है। इसकी भैया गन भी लगी है कमांडो की तरह, इसमें भैया गोगल भी पहने और इसने भैया म्यूजिक भी लगा रखा है यार। म्यूजिक के चक्कर में ये बिल्कुल एकदम डीजे वाले स्पीकर मैन, अरे स्पीकर मैन नहीं डीजे वाले स्किबिडी टॉयलेट सुपर बन जाते हैं। आओ दोस्तों क्या लगता है आपको, अगी के ये स्किबिडी टॉयलेट सुपर जीतेंगे या फिर जैकी के जीतेंगे? टाइटन क्या बोलते हैं, टाइटन कैमरा मैन अपग्रेड हेड। अरे यार मुझे तो लगता है अपना जी मैन ही जीतेगा। आज जी मैन नहीं है तेरा, आज तेरा स्किबिडी टॉयलेट है। अरे यार ठीक है भैया शुरू करते हैं बैटल। अरे बाप रे ये क्या भैया, स्किबिडी टॉयलेट सुपर की तो आपने पुंगी बजा दी, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। बोला था ना। आए चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अरे बाय बाय दोस्तों, आओ बाय बाय।